हाय फ्रेंड्स, आई एम शोमैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चक्रवर्ती बर्ड फार्म। तो फ्रेंड्स, आज आप लोगों को हम दिखाने वाले हैं हमारा जो लॉरी बर्ड है। वो लॉरी बर्ड को हम शाम का टाइम पे कौन सा टाइप का खाना अपने बर्ड को प्रोवाइड करते हैं और खाने में आज हम बरसात का मौसम में हम क्या क्या चीज़ दे रहे हैं वो भी हम इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए सेटअप के अंदर जाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं हम कौन सा टाइप का खाना और क्या क्या चीज़ अपने लॉरी बर्ड को प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने जो अपना लॉरी बर्ड के लिए शाम का टाइम पे ये हम अपना लॉरी को यही खाना प्रोवाइड करते हैं और इसमें हम थोड़ा चावल मिलाया है। चावल का राइस तैयार करके रखा था, उसको उस राइस और इसके अंदर मैंने लॉरी मिक्स डाला है बीफोलेट, और उसके साथ हम दिया है थोड़ा सा हनी, और हनी देने के बाद इसको हमने मिक्सी से ग्राइंड कर लिया और यही खाना अभी हम अपने लॉरी बर्ड को सर्व करेंगे। देख सकते हैं ये है मेरे पास चार जोड़ी लॉरी है, तो सभी लॉरी को हम यही जो खाना थोड़ा थोड़ा करके सर्व करेंगे और ये लोग बहुत शौक से खाते हैं। और मैं शाम का टाइम पे बरसात का मौसम में इसके साथ आप अंडा भी मिला सकते हैं, बॉयल अंडा नहीं, अंडा को कच्चा जो अंडा होता है कच्चा अंडा भी हम कभी कभी इसके साथ मिला देते हैं और यही खाना मैं अपना लॉरी बर्ड को प्रोवाइड करता हूँ। देखिए कैसे हम ये खाना डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद अपना लॉरी बहुत शौक से ये खाना खाते हैं और देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये खाना अपना लॉरी बर्ड को हम प्रोवाइड कर रहे हैं और बहुत शौक से ये बर्ड बहुत इंजॉय करके खाना को खा रहे हैं, क्योंकि बरसात का मौसम है और बरसात का मौसम में थोड़ा सा आपको प्यार करना ही चाहिए अपने लॉरी बर्ड को। बहुत अच्छा इंटरटेनमेंट है और यहाँ पे भी हम खाना दे रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे बच्ची लड़ी है और ये भी बहुत इंजॉय करके खाना को खा रहे हैं। बहुत बेहतरीन नज़ारा। और लड़ी का आप जब भी खाना दें, थोड़ा आपको मीठा टाइप का इसको शुगर ज़्यादा चाहिए, तो आज आप देख रहे हैं मैंने इसके साथ थोड़ा हनी मिला दिया था, तो ये भी खाना बहुत टेस्टी हो जाता है और ये थोड़ा मीठा टाइप का खाने में बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि मीठा टाइप का जो खाना होता है ये लोगों को बहुत पसंदीदा चीज़ है और थोड़ा तो शुगर, इसको बहुत ज़्यादा शुगर की ज़रूरत होता है। तो सुबह में मैंने इसको थोड़ा पाउच दिया था, देखिए हाथ में हाथ देते चार्ज में आता है। लॉरी का यही सबसे बड़ा सिम्टम है, ये अगर ब्रीडिंग मोमेंट में चला आया तो ये आपका हाथ में काट में आएगा। देखिए कैसे छेड़खानी कर रहा है बर्ड में, और बहुत अच्छा मूवमेंट है, एग्रेसिव मूवमेंट, और डाकी लॉरी सबसे ज़्यादा एग्रेसिव मूवमेंट में रहता है हर वक्त, और बहुत इंटरटेनमेंट करने वाला बर्ड है ये बर्ड, तो इसलिए हमको डाकी लॉरी बहुत पसंद है। और आप लोगों को देखने के बाद क्या राय है वो भी थोड़ा हमको बताना, देखिए कितना एग्रेसिव है बर्ड और देखते ही एकदम ऊपर से हमको अटैक करने के लिए चला आया। देख सकते हैं बहुत, देखिए कैसा एग्रेसिव है, किसी से भी डरता नहीं है, वो हाथ में काटने के लिए दौड़ के आ रहे हैं। देखिए केस का साइज़ भी मैंने बहुत अच्छा साइज़ दिया हूँ, 3 फीट के आसपास इस केस का साइज़ है, क्योंकि ये डस्की लॉरी है जो है थोड़ा बड़ा टाइप का होता है। तो ये लोगों के लिए मैंने नेट बॉक्स भी लेके आया हूँ, वो भी हम इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा, क्योंकि बर्ड लॉरी ब्रीडिंग टाइम पे जब भी आएंगे वो थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है। और देखिए ये संसार का नियम ही है, जितना सारा एग्रेसिव बर्ड होगा तो वो बर्ड बहुत अच्छा ब्रीड करते हैं, तो इसलिए हम टेम बर्ड हमको ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि देखिए ऐसे देख के इंटरटेनमेंट, देखिए देख के साथ में आ रहे हैं, तो हमको थोड़ा एग्रेसिव बर्ड पसंद है। और ये बर्ड का जो इंटरटेनमेंट है ह्यूमन के साथ ये बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा अटैक
हो जाता है ह्यूमन के साथ, और एक बर्ड बहुत इंटरटेनमेंट करता है और देख के भी मन को बहुत अच्छा लगता है। देखिए ये नज़ारा बहुत कम देखने को मिलता है, फिर भी आज मैं अपना इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ लॉरी का। अगर लॉरी आपको समझना चाहिए, अगर आपका लॉरी ब्रीडिंग मूवमेंट में आ गया तो वो आपका हाथ में ज़रूर काटेगा। और डस्की लॉरी तो बहुत एग्रेसिव होता है, फिर भी कोई भी लॉरी हो वो आपको काटने आएगा, क्योंकि यही उसका सिम्टम होता है। और नीचे में देखिए, यह मेरा रेड कॉलर लॉरी, और इसके नीचे में भी एक रेड कॉलर लॉरी है। तो चलिए, इसके तीनों पेयर एकदम रेडी टू ब्रीड, ब्रीडिंग के लिए तैयार हो गया है। एक पेयर तो मैं नया लेके आया हूँ, इसका फीमेल मेरे पास था तो हमने मेल फीमेल का तो उम्र हो गया था, हाँ 2-2.5 साल के ऊपर था फीमेल का, मैंने जब लिया था वही समय उसका उम्र था 1.5 साल का। तो मेरे साल में घर में 1 साल था, तो मैं इसके साथ इसके लिए मेल लेके आया हूँ। मेल छोड़ते ही एक बार बहुत अच्छा बॉन्डिंग बना, और लगता है हमको जल्दी ये लोगों के लिए नेक्स्ट बॉक्स देना होगा, तो मैंने नेक्स्ट बॉक्स भी मंगा लिया हूँ। तो चलिए, लॉरी का नेक्स्ट बॉक्स कैसे होता है वो भी मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो नेक्स्ट बॉक्स है इसका जो हाइट है मैंने 24 इंच दिया हूँ, और इसका जो चौड़ाई है वो 10 इंच के आसपास है। तो इस नेस्ट बॉक्स के अंदर मैंने, ये पीछे का साइड है आप देख सकते हैं, नेस्ट बॉक्स को मैंने घुमा के रखा हूँ, सामने में होल है जहाँ से अपना बर्ड आसानी से अंदर जाके वो नेस्टिंग के लिए नेस्टिंग तैयार कर सकते हैं। इसके अंदर एक ट्रे है, देख सकते हैं ये ट्रे जो है ऊपर में मैंने SS का जाली लगाया हूँ, क्योंकि लॉरी का जो स्टूल होता है, जो पॉटी करता है, वो थोड़ा लिक्विड टाइप का करता है, तो आसानी से इसके वो लोग नेस्ट बॉक्स के अंदर ही स्टूल करते हैं। इसलिए क्या होता है, लॉरी का जब ब्रीडिंग होता है, ब्रीडिंग टाइम पे उसका बच्चे का बॉडी में देखा जाता है फंगल इन्फेक्शन होता है, फेदर राफ्ट हो जाता है, ये सब प्रॉब्लम आपका लॉरी में कभी नहीं होंगे अगर आप ऐसा टाइप का नेस्ट बॉक्स लगाएंगे। तो देखिए, ऊपर में मैंने SS का जाली लगा दिया हूँ, और इसके नीचे में, और एक टे को मैं आसानी से एकदम बाहर निकाल सकता हूँ, और बाहर निकालने के बाद इसको हम बहुत अच्छी तरह से क्लीन करके पानी में फिर मैं इसको साफ भी कर सकता हूँ, और साफ करने के बाद अपने नेस्ट बॉक्स के अंदर डाल सकता हूँ ब्रीडिंग टाइम के बाद। तो ये देख लीजिए, ऊपर में मैंने SS का जाली लगाया हूँ, ये जाली जो SS का जो जाली है ये ऊपर रहेगा, क्योंकि इसके अंदर बर्ड को हैचिंग करना है और अंडा ले करना है, और इसका नीचे में मैंने जयपुर वाला नेट से कवर किया हूँ। अगर किसी भी वक्त अगर बर्ड ये SS का जाली को काट दिया तो आपका बर्ड बाहर नहीं जा पाएंगे, और आपका बर्ड भी सेफ्टी रहेंगे। तो ये है हमारा जो लॉरी के लिए मैंने मेनली बॉक्स बनाया हूँ। ये देखिए, ये है सामने में होल, इसी होल से ही अंदर जाएंगे, और लोग बहुत टाइप का बॉक्स लगाते हैं, लेकिन मैं आज से 10 से 15 साल आगे मैंने 2-1 जोड़ी लॉरी का ब्रीड किया था, तो वहाँ से ही हमने यही नेस्ट बॉक्स से ब्रीडिंग किया था, तो इसीलिए मैंने यही नेस्ट बॉक्स अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करना पसंद करूँगा। ये देखिए, तो ये लॉरी का नेस्ट बॉक्स तैयार हो गया है, जल्दी हम अपने बर्ड को नेस्ट बॉक्स प्रोवाइड करेंगे, करने के बाद भी मैं आप लोगों को वीडियो बना के जरूर पेश करूँगा। देखिए कैसे शौक से खाना खा रहे हैं।